तो हमारे साथ हीरा लाल जी है एंड सुवाद जी है, इनको मैं कोर्स एक्सप्लेन कर रहा हूं हमारे एडवांस एक्सेल एंड एमआईएस के लिए। देखिए सबसे पहले जानिए कि एक्सेल का इस्तेमाल क्या होता है। आगे बढ़ने से पहले आपको ये चीज को जानना होगा कि एक्सेल का यूज क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए एक्सेल जस्ट लाइक ए स्प्रेडशीट, एक डिजिटल रजिस्टर कह सकते हैं। जब कंप्यूटर नहीं था तो एक्सेल के जगह पे मोटे रजिस्टर थे, सारे इनपुट आउटपुट इन्वेंटरी विजिटिंग हर एक चीज रजिस्टर में ही मेंटेन होती थी। बड़ी बड़ी कंपनियां इसके लिए सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करती हैं, लेकिन छोटी मोटी कंपनियां इसको हम एक्सेल पे ही कर लेते हैं, बड़ी कंपनियां एनालिसिस के लिए एक्सेल का इस्तेमाल करती है। तो पहला काम जो होता है वो होता है डेटा स्टोरेज का, कि एक्सेल में आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा एक्सेल डेटाबेस नहीं है, क्योंकि डेटाबेस की बहुत सारे नियमों को फॉलो नहीं करता है। किस तरह के नियमों, जैसे पहले सबसे पहले सिक्योरिटी, फाइल इसका फाइल सिक्योर नहीं है, कोई भी फाइल को डिलीट कर सकता है, इसके पासवर्ड को हैक कर सकता है, या आपने पासवर्ड लगाया आपका पासवर्ड भूल गए, ये पासवर्ड रिकवर करके नहीं देगा। अब पता चला कि आपने इंपॉर्टेंट डेटा लिया, उसमें आपने डाल के पासवर्ड लगा दिया, 6 महीने बाद याद आई डेटा की, तो पता चला कि आपने पासवर्ड ही भूल गए क्या, और रिकवर होने का चांसेस नहीं है। तो डेटाबेस में ऐसी फैसिलिटी सही नहीं रहेगी। तो क्या होता है, तो सबसे पहला यूज जो होता है डेटा स्टोरेज में वो होता है मिसलेनियस डेटा। मिसलेनियस डेटा जैसे कि आप अकाउंटिंग में है, आप अकाउंटिंग के लिए टैली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी आप एक्सेल का यूज करेंगे। जैसे कि आपका पेटी कैश हो गया, ऑफिस के छोटे मोटे खर्चे हो गए, पेरोल टीम में है तो आपका अटेंडेंस शीट हो गया, इन चीजों के लिए आप एक्सेल इस्तेमाल करेंगे। अब ऐसा थोड़ी है सर कि 2 रुपए की फोटो स्टेट की एंट्री करने के लिए आप लेजर क्रिएट करेंगे, लेकिन उसका रिकॉर्ड तो रखना पड़ेगा, तो एक्सेल में रखता है मिसलेनियस डेटा। उसके बाद दूसरा इसमें जो स्टोर होता है वो स्टोर होता है SME, शॉर्ट मीडियम एंटरप्राइज। हम जैसे छोटे लोग हैं जिसके पास डेटा का वॉल्यूम बहुत कम है, तो वो लोग बड़े बड़े सॉफ्टवेयर पर ना डाल के एक्सेल पे डालते, क्योंकि बड़े सॉफ्टवेयर को अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए डालते थे, SME कर सकते हैं। तीसरा जो सेव होता है वो सेव होता है एनालिटिक डाटा। एनालिटिक डाटा जो होता है वो जैसे कि आपको अगर आप सैप यूज करते हैं, जैसे सुहास जी सैप यूज करते हैं, और सैप में मान लीजिए कि डेटा है, और उस डेटा को वो चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का किस किस स्थिति में कितना कितना पीस सेल हुआ है, और कंपेयरिंग करना चाहते हैं कि पिछले साल क्या हुआ तो इस साल क्या है। ये चीज आपका सैप करके नहीं देगा, उसको एक्सेल पे डेटा को स्टोर करेंगे, देन उसको हम एनालिसिस करेंगे पिवट टेबल और बाकी टूल्स के जरिए। तो ये आपका आपका आता है डेटा स्टोरेज। दूसरा यहाँ पे आता है वो आता है कैलकुलेशन। देखिए कैलकुलेशन के लिए मेरे हिसाब से एक्सेल से बेस्ट कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं है। अब जैसे कि पावर बीआई भी है, टैबलू भी है, एक्सेस भी है, सिक्वल भी है, तो वहां जो कैलकुलेशन होता है वो फिल टू फिल कैलकुलेशन होता है, पूरी कॉलम टू कॉलम कैलकुलेशन होता है। लेकिन एक्सेल में आप जो है बड़ी इजीली से अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेटर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल कि क्वार्टर वन है, क्वार्टर टू है, क्वार्टर वन में मान लीजिए 50 सेल है, क्वार्टर टू में 60 सेल है। अब मुझे ग्रोथ निकालना। अब हमारे पास फॉर्मूला बार में बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं कैलकुलेशंस के लिए, लेकिन क्या है कि कभी कभी हमारी अपनी खुद की मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है। जैसे यहां पर है कि लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट, क्योंकि ग्रोथ परसेंटेज ऐसे निकलता है। तो सिंपल सा हम करेंगे ब्रैकेट में लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट और डिवाइड बाय ओल्डेस्ट, एंटर मारे, ये देखिए 20% का आ गया। तो यहां आप इजिली कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन के बाद आता है डेटा एनालिटिक्स, एनालाइज बोल दीजिए जो बोल दीजिए। तो डेटा एनालिसिस जो होता है वो सबसे परफेक्ट इसमें होता है। ऐसे डेटा एनालिसिस के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, बट उसको क्या है कि आप अपने हिसाब से मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो फिक्स होता है, बट इसमें आप अपने हिसाब से मॉडिफाई, तब थोड़ा टाइम कंज्यूम होता है। जैसे पावर बीआई है जो कि रिपोर्ट को इजीली बना देता है, तुरंत बना देता है,
लेकिन क्या है कि उसमें जो फिक्स फॉर्मेट है उसी को लेके चलते हैं, आप उसको अपने हिसाब से चेंज या कुछ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन एक्सेल में ऐसा नहीं। और तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है शेयरिंग। अब मान लीजिए मुझे हीरालाल जी, मान लीजिए मुझे सुहास जी को कोई फाइल भेजनी है, तो मैं आंख बंद करके एक्सेल फाइल भेज सकता हूँ। कोई डेटा भेजना है तो आंख बंद करके डेटा आपको एक्सेल फाइल भेज सकता हूँ। लेकिन पावर बीआई की फाइल, टैबलू की फाइल थोड़ी भेज सकता हूँ मैं। मुझे क्या पता आपके पास सॉफ्टवेयर है नहीं, और मेरी एक रिपोर्ट देखने के लिए आप पावर बीआई का सॉफ्टवेयर यूज थोड़ी करेंगे, डाउनलोड इंस्टॉल थोड़ी करेंगे। लेकिन एक्सेल तो परफेक्ट है कि एक्सेल सब पीसी में होगा। एक्सेल नहीं है तो एक्सेल का सब्स्टिट्यूट जैसे ओपन मार्जिन सिम्फनी होगा। अगर वो भी नहीं है तो गूगल सीट पे भी जाए, डायरेक्ट जाके क्लिक करके कोई भी उसको देख सकता है। क्लियर है? तो एक्सेल का इस्तेमाल यहाँ होता है। अब बात करते हैं कोर्स डिटेल्स के लिए। देखिए कोर्स डिटेल्स के लिए आपको जाना होगा मेरी वेबसाइट iptindia.com पे। iptindia.com पे जाइएगा तो यहाँ पे दो तरह की क्लासेस है। एक है हमारा लाइव क्लासेस, अभी जो आप ज्वाइन किए हुए हैं, मुझसे बातचीत कर रहे हैं, मुझसे समझ रहे हैं, ये हमारा लाइव क्लासेस। दूसरा होता है जो आपने मोबाइल ऐप डाउनलोड किया था वो हमारा वीडियो क्लास था, मतलब कि रिकॉर्डेड क्लास था। तो हम पहले लाइव क्लास के बारे में जिक्र करते हैं, फिर हम रिकॉर्डेड क्लासेस के बारे में जिक्र करेंगे। तो लाइव क्लासेस जो होगा आपका, और लाइव क्लासेस जो होगा और जूम के थ्रू होगा, मंडे टू फ्राइडे 45 मिनट से 1 घंटे का, एक बैच में 1 से 3 लोग होंगे। और इसमें आप अपने हिसाब से जो क्वेश्चन पूछना हो, जितना क्वेश्चन पूछना हो पूछ सकते हैं। साथ में ऑफिस की कोई प्रॉब्लम है वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, ये लाइव होगा एकदम, और मैं खुद आपको ट्रेनिंग दूंगा जैसे कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। दूसरा हमारा आता है वीडियो कोर्स, सॉरी लाइव क्लासेस में। लाइव क्लासेस के देख लेते क्या क्या है। जैसे कि आपने बोला कि आपको एमआईएस का कोर्स करना है, तो एमआईएस का कोर्स के लिए ये हमारा 125 घंटे का कोर्स है, ये परफेक्ट है लाइव क्लासेस में। इसके भी फास्ट ट्रैक कोर्स है, मतलब कि आपको अगर ज्यादा टाइम नहीं देना है, सीखना है कुछ कुछ पार्ट सीखना है और जल्दी सीखना है, तो आप 10 से 15 घंटे की क्लास लेके आप सीख सकते हैं। लेकिन इसमें आप मास्टर नहीं बन जाएंगे, बस हाँ आपको पता होगा इंटरव्यू वगैरह क्रैक कर सकते हैं, छोटे मोटा काम कर सकते हैं। अब मुझे ज्यादा लग रहा है इतना तो पहले से आपको आता ही है। लेकिन एक्सपोर्ट लेवल की क्लासेस में 100 से 120 घंटे की क्लासेस लगती है। इसमें आपको एडवांस एक्सेल विथ फॉर्मूला, एक्सेल वी में माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग, एमएस एक्सेस डेटाबेस, सीक्वल क्वेरी, रिपोर्ट ऑटोमेशन एंड रिपोर्ट क्रिएशन का टॉपिक होगा। अगर आप डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो आपको इसकी पूरी की पूरी सिलेबस पता चल जाएगी। ये पूरी की पूरी सिलेबस आपको पता चल जाएगी। इसमें क्या है, इसके बेसिकली 4 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में आपको एडवांस एक्सेल फॉर्मूला है, दूसरे पार्ट में वीवीएम मार्कअप प्रोग्रामिंग है, तीसरे पार्ट में आपका एमएस एक्सेस और सीक्वल है, चौथे पार्ट में आपका डैशबोर्ड है। हाँ, इसमें पावर बीआई आप बाहर देख रहे थे कि पावर बीआई भी था, तो इसमें पावर बीआई है, लेकिन कुछ एक क्लास है जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास है। मैंने बोला कि इसमें पावर बीआई मैंने कंप्लीट सिखाया, इसलिए मैं आपको मिसगाइड नहीं करूंगा। कुछ क्लासेज है डैशबोर्ड के साथ। अब बात करते हैं रिकॉर्डेड क्लास के लिए। तो रिकॉर्डेड क्लास के लिए सबसे पहले तो मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। जो आपने अगर डाउनलोड किया ठीक है, नहीं जिसने डाउनलोड नहीं किया है, एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग आपको प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। तो इससे यहाँ आप ये डाउनलोड करना पड़ेगा। और जरूरी नहीं कि मेरी क्लासेस को आप ऐप के थ्रू ही यूज करें, हालांकि एंड्रॉयड आईओएस दोनों पे अवेलेबल है। और मैंने किसी वीडियो को क्लिक कीजिएगा यूट्यूब पे तो दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आप सिस्टम से करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट के थ्रू यहाँ जो है वीडियो कोर्स पे चले जाएं, या फिर यहाँ वीडियो कोर्स पे क्लिक करें, या डायरेक्ट लॉगिन करें app.iptindia.com। यहाँ अपना मोबाइल नंबर चेंज हो गया है या आप आउट ऑफ इंडिया है तो आप जो है ईमेल आईडी से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो अपना मोबाइल नंबर डालिए और प्रोसीड सिक्योरिटी कीजिए, आपको 4 डिजिट का ओटीपी आएगा। ये ओटीपी डालिए, वैलिड कीजिए,
ये आपका खुल के आएगा। तो इसमें आपको एक चैट सिस्टम है, चैट सिस्टम में आप मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्ट होंगे, मैं कुछ भी अनाउंस करूंगा, जॉब की वैकेंसीज निकालूंगा, सब कुछ यहाँ पे आपको दिखेगा। वैकेंसीज आती है, कुछ भी आती है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे देखेंगे। जैसे आप देखिए मैंने ये वैकेंसी डाली हुई है, तो यहाँ आपको दिख जाएगा। स्टोर में आप जाते हैं तो स्टोर में मेरे कोर्सेज दिखेंगे। तो एक जो मैंने आपको बताया MIS का कोर्स आपका ए रहा, इसमें आपको MIS का कोर्स मिलेगा जिसकी प्राइस 4000 आपको दिख रही है। प्राइस के लिए चिंता मत कीजिए, अभी देखिए 2 मिनट इसमें आपको क्या क्या एक बार देख लेते हैं। इस पे जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आपको एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला, VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग, MS एक्सेस डेटाबेस, SQL सर्वर, और ये आपका ए नौ ये किसी स्टूडेंट के डिमांड पे मैंने बनाया था कि उनको एंड्रॉइड से एक्सेल इस्तेमाल करना था, तो मैंने कुछ वीडियो बनाए थे एंड्रॉइड के लिए। अभी चल रहा है, इसमें अभी काम चल रहा है। ये आपको मिलेंगे, इसमें तकरीबन आपको जो है वो है 357 वीडियोज है, 95 इस पे फाइल्स है, टेस्ट भी है, और इसमें वीडियोज अपडेट होते रहते हैं। तो ऐप बनाने के पर इससे पहले मैं पेन ड्राइव भेजता था, बट ऐप बनाने का पर्पस यही था हमारा, क्योंकि हम अपडेट नहीं कर पाते थे। तो ये अपडेट आपको करने के लिए बार बार अपडेट हो, नई चीजें ऐड करूं तो आपको मिल जाए, इसके लिए हमने एक कोर्स तैयार किया। अब यहाँ पे कंप्लीट ऐप पे जाएगा, एक और कोर्स है कंप्लीट कोर्स। कंप्लीट कोर्स में आपका जो है यहाँ पे जो भी मैंने दिखाया आपको वो तो है ही है, उसके अलावा आपको पावर BI भी है, आपका एक्सेल डैशबोर्ड का अलग कोर्स है, टैबलू कोर्स है, पुराना एक्सेल 12/7 भी इसमें है, और MS ऑफिस और टैली भी इसमें अवेलेबल है। ये तकरीबन 250 घंटे के रिकॉर्डिंग है, तो आपको अब जो लेना है ले सकते हैं। गूगल सीट भी अवेलेबल है, इंडिविजुअल क्लासेस भी है, आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा जान लीजिए। सबसे पहले तो ये 5 से 10 सालों की इसकी वैलिडिटी मिलेगी कि ये आपके साथ एक्सेस रहेगा। वीडियो को आप कहीं भी किसी भी डिवाइस पे लॉगिन करके यूज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका रहेगा जिसमें आप लॉगिन करके देख सकते हैं। पहला। दूसरा, इसमें आपको जो है टेलीफोनिक सपोर्ट मिलेगा कि आप फोन करके मुझसे जो पूछना चाहे जैसे पूछना चाहे वो आप पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी पूछ सकते हैं। आपको कोई लगा कि मेरी वीडियो जो है उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, कोई वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है, या आपको कुछ अलग चाहिए था, मुझे कॉल करेंगे, अपना टॉपिक लिखा देंगे, मैं एक आध हफ्ते का टाइम लूंगा और आपको अपलोड कर दूंगा दोबारा से रिकॉर्ड कर। तो इसमें आपके लिए पूरा फ्रीडम मिलता है। अब इसकी प्राइसिंग देखिए, तो प्राइसिंग सामने दिख रहा है, लेकिन फिर भी इसमें डिस्काउंट कूपन चलते रहते हैं। इसको इंस्टॉलमेंट में भी आप बाय कर सकते हैं, 1000 की 6 इंस्टॉलमेंट या जो भी 1000 से कम इंस्टॉलमेंट नहीं होगा, यहाँ पे आप इंस्टॉलमेंट में यूज कर सकते हैं। लेकिन आप इसको डिस्काउंटेड परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे कूपन कोड आपको दिख जाएगा। अभी जैसे फिलहाल आज शुरू अभी भी जस्ट शुरू हुआ है, 50% ऑफ का कूपन है, इसमें आपको 50% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑफ जब करेंगे तो आपको वन टाइम पेमेंट करना पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट नहीं होगी। अगर आप इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो कोई डिस्काउंट एप्लीकेबल नहीं होगी, अगर आप डिस्काउंटेड लेते हैं तो आपको देगा। और डिस्काउंट हमेशा नहीं रहता है, याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि आपने जान लिया और कुछ दिन बाद फोन करेंगे, एक कूपन आते रहते हैं। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर ये तो आपका है, तो फिर आप कूपन आप कैसे बोले डिस्काउंट नहीं होता हमेशा। बेसिकली क्या है कि ये मेरा अकेले का नहीं है, ये classplusapp.com के साथ हमारा कोलैबोरेशन है, क्योंकि आप जान सकते हैं कि किसी ऐप को मैनेज करना, मेंटेन करना और सब कुछ करना क्रिटिकल होता है, और मैं अकेले सब नहीं कर सकता, इसलिए मैंने कोलैबोरेट किया हुआ है किनके साथ, ऐप इसे क्लास प्लस ऐप, ये सौरभ गांगुली जी की कंपनी है, इनके साथ मैंने बनाया हुआ है, ऐप उन्हीं का है, मेरे लिए उन्होंने ऐप बना रखा है क्लास प्लस। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि कूपन्स ए मुझे प्रोवाइड करते हैं, तो अगर आप परचेज करते हैं तो जैसे आपने अगर 6000 में परचेज किया है, 3000 परचेज किया, तो मुझे 6000 ही आएंगे,
3000 का ऑफ ये आप देंगे, क्योंकि ये स्टार्टअप है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आना चाहते हैं, इसलिए ये डिस्काउंट वगैरह कूपन वगैरह ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब आप डिसाइड करें कि आपको हमारे साथ लाइव क्लास पे जाना है जूम के थ्रू, जिसकी हर एक चीज अलग है, इसकी प्राइजिंग भी अलग है। जैसे कि इसकी प्राइजिंग आपको जो है 15,000 रुपीज यहाँ दिख रहा होगा पड़ेगा। मंडे टू फ्राइडे क्लासेज होगी, इसमें आपको मैं खुद डायरेक्टली पढ़ाऊंगा, आप अपने हर चीज इसमें शेयर कर सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लास की प्राइस कम है और डिस्काउंट भी आपको मिल सकता है, और इसके आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी और आपके लिए टेलीफोनिक सपोर्ट रहेगा, अगर दिन में एक आध बार फोन करके मुझसे बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको किसके साथ जाना है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि यूट्यूब पे तो मटेरियल पड़ा हुआ, हम यूट्यूब से उठा लेंगे, पर क्या होता है लाल जी, सुहास जी, कि यूट्यूब पे आपको एक तो सिक्वेंसली हर एक चीज मिलना मुश्किल है, नहीं मिल पाएगा यस सर, यूट्यूब। और दूसरी चीज है कि यूट्यूब पे जो वीडियो डालता है उसका पर्पस ये नहीं होता है कि आप लर्न करें। जो भी यूट्यूबर यूट्यूब डालता है उसका एक ही पर्पस होता है कि जितना ज्यादा ज्यादा हिट्स आए, जितना ज्यादा व्यूज आए, लाइक आए, उनका पर्पस ये होता है। इसलिए वो आपकी कंटिन्यूअंस आप कैसे समझेंगे इनसे कोई मतलब नहीं होता। वो मिर्च मसाला डालेंगे, रफरी वर्ड यूज करेंगे, होता है ना सर, देखते होंगे आप। दूसरी चीज है कि इसमें आपको अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होती है तो कोई भी यूट्यूबर आपको सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, यस सर, अब मान लीजिए ना किसी वीडियो पे मिलियंस व्यू है, अब मिलियंस लोगों अगर उस यूट्यूबर को फोन करेंगे तो क्या लग रहा है, सपोर्ट दे पाएगा नहीं दे पाएगा। लेकिन मैं जितना हो सकता हूँ उतना सपोर्ट देता हूँ, और हम जो ऐप के अंदर है, जैसे मान लीजिए कभी मैं बिजी हूँ, किसी ने फोन नहीं उठाया, तो इसलिए ऐप चैट है, ऐप चैट पे आप ड्रॉप कर दीजिए मैसेज, जैसे ही मुझे टाइम निकलेगा हम आपको उस पे सपोर्ट कर देंगे। जैसे कि कल रात को ही किसी ने मुझे मैं भेजा था, ये देखिए कि सर मेरा एक कोड रन नहीं कर रहा है, उन्होंने बोला कि मेरा एक कोड जो है रन नहीं कर रहा है, दिख रहा होगा मैं 9:28 में उन्होंने भेजा था, मैं थोड़ा सा बिजी था, मैं 9:32 में इस कोड को उन्होंने हमने सही करके उनको रिप्लाई कर दिया, और उन्होंने थैंक यू भी बोला कि सर कोड रन नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हम सपोर्ट दे देते हैं, व्हाट्सएप कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, तो सपोर्ट दे सकता है। आप डिसाइड कीजिए क्या करना है।